हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। आइए आज मैं आपको एक भजन हारमोनियम पर बता रहा हूँ, पवन पुत्र हनुमान जी का भजन है, बजरंगबली का भजन है और बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। तो इसे करते हैं हम, सी शार्प से मैं बता रहा हूँ इसे, और सरगम और नोट्स को आप समझें तो आप अपने स्केल के आधार पर भी उसे बदल करके बजा सकते हैं। तो बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको एक एक वर्ड, आप उसे तैयार करें। ये सारे गामा पाधानी सा ये है, कभी कभी इसमें तीव्र मा भी यूज हुआ है। देखिए, बोलो सदा, मैं इतना ही धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, आप इसे फिर बाद में स्पीड बढ़ा लेंगे। बोलो सदा जयकार, पवन सुत, पवन सुत, महाबली की। एक बार फिर से, बोलो सदा जयकार, पवन सुत, महाबली की। बस कोरस ये है, अंतरा देखें इस तरह से, केसरी नंदन, मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, केसरी नंदन बल धा के। केसरी नंदन बलधारी की, मारु नंदन उपकारी की। और उसके बाद फिर पहली लाइन की तरह, आओ करें सेवा आज पवन सुत, महाबली की। ठीक है, अब देखें दूसरे पैराग्राफ को, अपने कपि को मन में बसा के, और सा के निस करो पूजन दर पे आ
श्याम पवन सुत महा बलि की। ठीक है, इतना धीरे है कि अगर आप थोड़ा रोक रोक कर वीडियो को रोक रोक करके अगर आप करें तो आप निश्चित रूप से आराम से बजा पाएंगे। लेकिन मैं हर वीडियो की तरह फिर कह रहा हूं, हर वर्ड को, हर पंक्ति को पहले एक एक करके सेट करें। जब एकदम सेट हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है, उसके बाद के पैराग्राफ को देखें। संकट मोचन नाम जो ध्यावे संकट उसके पास ना आवे। और फिर पहली लाइन की तरह मही मा गाए दीन रात पवन सुत महा बलि की। इस तरह से इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और फिर आप इसे पूरी तरह गा सकेंगे। और इसका जो प्रॉपर ट्यून है, अगर आप दूसरे वीडियो को देखें, इसी का मैं दूसरा पार्ट डालूंगा जिसमें कि मैं रेगुलर स्पीड में गाऊंगा, तो आप उसे आराम से उस आधार पर कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो तब तक आप इस वीडियो से इसे तैयार करें, फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तभी आपको हर अपलोड का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।